लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। फवाद चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। फवाद चौधरी ने कहा है, इमरान के मंत्री रहे हैं फवाद चौधरी, जिन्होंने शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस दिन केस तय होना है उसी दिन पीएम शहबाज पीएम बनेंगे। जिस दिन केस तय होना है, शहबाज का पीएम बनना मुल्क के मुंह पर तमाचा है। तो फवाद चौधरी इमरान के करीबी भी और उनके सरकार में मंत्री भी रहे, शहबाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि जिस दिन केस तय होगा उसी दिन शहबाज जो है वो पीएम बनेंगे, और अगर शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनते हैं मुल्क के तो वो मुल्क के मुंह पर एक तमाचा होगा। जावेद बदर जी, एक कमेंट चाहती हूं आपका इस पर। जी देखिए, मैं कमेंट से पहले आपको ये बता दूं कि ये मुस्तफी होने भी जा रहे हैं, ये पॉलिटिकल क्राइसिस से मुल्क को निकलने नहीं देना चाह रहे इमरान खान साहब। अभी अभी देखें, अभी भी खबर चल रही है पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर कि ये पूरी की पूरे जितने इनके अराकीन हैं इमरान खान साहब के, ये मुस्तफी होने जा रहे हैं। इनकी पार्लियामेंट्री कोर कमेटी में ये फैसला हो चुका है कि हम इस्तीफे दे देंगे। ये मुल्क को सियासी बरान से नहीं निकलना देना चाह रहे, और ये बहुत गलत करेंगे। ये बड़ी मुश्किल से हमें डेमोक्रेसी वापस मिली है, हमारी पार्लियामेंट मजबूत हो रही है। इनको चाहिए, खुदा के लिए इसको चलने दें। ठीक है, हमजा का रुख कर लेते हैं। हमजा, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप तो हालांकि बहुत पहले से ये शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ पर फवाद चौधरी ने ये बड़ा निशाना साधा है और मुल्क के मुंह पर तमाचा बताया शहबाज शरीफ को। देखिए, इससे पहले मैं एक चीज की करेक्शन कर दूं, पीटीआई की कोर कमेटी में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ कि सब इस्तीफे दे रहे हैं। इनफैक्ट वहां पे फैसला हुआ है कि इस्तीफे नहीं देंगे और ऑपोजिशन बेंचेस में बैठेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि हम पार्लियामेंट में भी इनको ऑपोजिशन देंगे, एक स्ट्रांग ऑपोजिशन देंगे, और साथ ही जो है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर जो है वो एक बड़ी एहतजाजी रैली की कैंपेन का सिलसिला शुरू करेंगे, जो पिशावर से उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि वो ट्यूजडे को पिशावर से उसका पहला पड़ाव जो होगा से शुरू होगा, इमरान खान उसको लीड करेंगे। हमजा भाई, ये सुभाष, मैं आपको अभी की खबर दे रहा हूँ, फवाद चौधरी का बयान अभी चल रहा है और शेख रशीद का। सर, मैं आपको कमेटी की फाइंडिंग का बयान दे रहा हूँ। मैं आपको कमेटी की रीडिंग ठीक हो गया, कमेटी की रीडिंग बता रहा हूँ सर, जो वहां पे मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, ब्रेकिंग चल रही है। राइट, अच्छा, दूसरा ये कि जो शहबाज शरीफ के हवाले से बात की है, ये जहन में रखिए कि इमरान खान के ऊपर भी ड्यूरिंग द टाइम जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उनके ऊपर भी फॉरेन फंडिंग का केस चलता रहा है, उनके ऊपर भी जो है वो और मामला के ऊपर जो है उनको इलेक्शन कमीशन के से भी नोटिसेस आते रहे हैं। इमरान खान जलसे करते रहे हैं बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, और उनको हर दफा फाइन पड़ता रहा है, नोटिसेस लगते रहे हैं। तो फवाद चौधरी का कहना सिर्फ इसलिए है क्योंकि शहबाज शरीफ ऑब्वियसली उनकी एक बड़ी सख्त ऑपोजिशन थे, उनके खिलाफ ही उन्होंने सारी इमरान खान की जद्दोजहद की, और अब वही देखिए। कल भी हम इसी को लेकर बात कर रहे थे कि अब इमरान और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो पहले के मंत्री रहे, वो अब पूरी तैयारी कर चुके हैं कि विपक्ष में बैठकर किस तरीके से ऑपोजिशन में रहकर निशाना साधना है शहबाज शरीफ और जो नई सरकार अब बनने जा रही है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। जो भी अपडेट होगा लगातार हम अपने दर्शकों तक हमजा अमीर के माध्यम से पहुंचाएंगे कि क्या कुछ फिलहाल वहां पर चल रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।